नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फैक्ट मैन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे काला दृश्य मैं आपको क्यों दिखाया, ये ब्लैक इमेज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये वही दृश्य है जो स्टार्टिंग अर्ली लाइफ फॉर्म्स को जिंदगी की स्टार्ट होने पर जो दृश्य दिखता था दूसरी दुनिया का, बाहर की दुनिया का, क्योंकि दोस्तों उनके पास होती नहीं थी आंखें। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही गेस किया, जैसे कि मेरे टाइटल इस वीडियो के टाइटल पर भी दिख रहा है, आज का टॉपिक है, आज की वीडियो का टॉपिक है आंखों पर। दोस्तों मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जैसे मेरे पास दो प्यारी प्यारी आंखें हैं, मेरे व्यूअर्स के पास भी प्यारी प्यारी दो आंखें होंगी। और हमारे पास ही क्यों, कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, शेर, हाथी, चील आसमान में, चिड़िया, कबूतर, आप कितने भी जानवर देखिए, सबके पास टू सेट ऑफ आईज, टू सेट ऑफ पेयर ऑफ आईज, यानी कि दो आंखें होती ही होती हैं हर मनुष्य के पास, हर जानवर के पास। दोस्तों क्या लगता है आपको कि लाइफ की शुरुआत से ही आंखें रही, कि जब इंसान बना या जब लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट होने शुरू हुई तो स्टार्टिंग से आंखें थी, स्टार्टिंग से दुनिया में जैसे दिखती है वैसी दिखती थी सब लाइफ फॉर्म्स को? दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग लाइफ फॉर्म्स थी, जब जिंदगी की शुरुआत हुई, वो हुई समुद्र में। तो जो समुद्र में स्टार्टिंग में जो लाइफ फॉर्म्स थी वो थी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सिर्फ एक सेल हुआ करता था, यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो। जिन लोगों को सिंगल सेल का नहीं मतलब पता, तो आप समझिए कि एक सुई की जो नोक होती है उससे भी बहुत 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 छोटे लेवल पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो वो प्राणी है वो एग्जिस्ट किया करते थे, उनको वो होते थे बैक्टीरिया जो कि बहुत पुराने टाइम के। तो उनके पास दोस्तों जो है आंखें नहीं हुआ करती थी, तो उनको दुनिया में सिर्फ ही सिर्फ ब्लैकआउट देखा करता था दोस्तों। लेकिन कुछ लाखों सालों बाद क्या हुआ कि जेनेटिक कॉपिंग एक प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है, कि सेम जो सेट ऑफ डीएनए होता है वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसके जो ऑफस्प्रिंग में है वो निकलता है। तो लाखों सालों के दौरान जो है कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हुई, तो एक जेनेटिक म्यूटेशन कह सकते हैं कुछ लाखों साल बाद, कुछ 20 लाख साल बाद एक ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन आई कि उसमें जो रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया था, कि ये एक बैक्टीरिया था, ये रिप्रोड्यूस हुआ, इसने एक अपना और बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया। इस बैक्टीरिया में जो है ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स आ गए जो कि लाइट को सेंस कर सकते थे, जो लाइट को अब्सॉर्ब करते, उस पर रिस्पॉन्ड करते। कहने में तो देखो दोस्तों ये बहुत ही माइनर चेंज लगता है कि एक प्रोटीन ही तो आ गया, लेकिन वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आए इस बैक्टीरिया के अंदर, उससे क्या हुआ, वो प्रोटीन जो आया वो प्रोटीन लाइट को सेंस करता था। और इसमें क्या एक नई चीज थी कि उसको दुनिया दिखनी शुरू हो गई, आप कह सकते हैं एक तरह से। अब इन बैक्टीरिया को जो फायदा हुआ ना नॉर्मल बैक्टीरिया से, कुछ इस तरह हुआ कि दिन के टाइम पर जब अल्ट्रावायलेट किरणें, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो इन पर गिरती थी नॉर्मल बैक्टीरिया पर, इनके डीएनए को डैमेज करती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, तो वो इस ये जो बैक्टीरिया था, नया बैक्टीरिया, नए किस्म के बैक्टीरिया था, ये बच सकता था उन अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रकोप से कुछ इस तरह कि ये लाइट को सेंस कर सकता था। अभी जब लाइट को सेंस करता तो ये क्या करता, इमीडिएटली जो सरफेस है वाटर का उसे नीचे चला जाता, तल की तरफ चला जाता। तल की तरफ जाने पर क्या होता कि इस पर वो लाइट नहीं पहुंच पाती इस तक, तो क्या वो अल्टीमेटली कुछ सालों के दौरान, लाखों सालों के दौरान इस बैक्टीरिया के किस्म की ग्रोथ ज्यादा होती रही, तादाद बढ़ती गई। अब धीरे धीरे जेनेटिक म्यूटेशन होते रहे, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे ये इकट्ठे हो गए एक जगह पर। एक जगह इकट्ठे होने पर क्या हुआ कि अब ये लाइट को ज्यादा अच्छी तरह से ले सकते थे, और धीरे 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 एक कैविटी सी बन गई, एक छेद सा बन गया इनकी बॉडी में। अभी धीरे धीरे ना क्या हुआ कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन गए, एक नया तरह का जो ऑर्गेनिज्म बना, अब इनसे जो निकल के बना उसमें क्या हुआ कि कैविटी बन गई, एक छेद बन गया, छिद्र आ गया, ये गड्ढा सा बन गया। इस गड्ढे के अंदर क्या है कि अब आके जो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइट सेंसिंग वो इकट्ठे होते गए, और धीरे 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 ये गड्ढा भी छोटा होता गया ताकि जो एक इमेज है वो शार्प बन सके, फोकस बन सके। क्योंकि अगर ये गड्ढा बड़ा होता तो जरूर ब्राइट तो होती इमेज, लेकिन आउट ऑफ फोकस होती। अब क्या है कि इमेज जो है कंसेंट्रेट हो गई एक छोटी जगह पर, तो उसको एक एरिया दिखने लग गया दुनिया का। अब शार्प हो गई इमेज लेकिन ब्राइटनेस कम थी, तो आने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें चेंजेस होते गए जेनेटिक म्यूटेशंस के दौरान। नीचे कुछ इसी तरह है, नेचुरल सिलेक्टिविटी, एक डार्विन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ कि अब जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये आंखें थी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे, यही रहे दुनिया में, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स वाइप आउट हो गए।
तो धीरे धीरे अभी आंख का भी विस्तार होता गया, विकास होता गया। अभी आंख जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि अंदर जो जेलेटिनस पोर्शन था वो सिकुड़ कर एक लेंस के तौर पर बदल गया, इसने आंख को कवर कर लिया लेंस में। तो बाहर का जो होल था जो अंदर आने देता था वो भी बड़ा हो गया। अब बड़ा होने से क्या हुआ कि ब्राइटनेस भी बढ़ गई और शार्पनेस भी आ गई इमेजेस में, तो अब वो दुनिया को देख सकते थे। इट वॉज अ गिफ्ट। बट एक ड्रास्टिक चेंज क्या हुआ, एक टर्निंग कोर्स इन पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, वो क्या रहा कि ये जो क्रिएचर्स जब पानी से निकलकर लैंड पर आए तो उनकी आंखें सूटेड नहीं थी, क्योंकि वो सूटेड थी पानी में देखने के लिए। अब जैसे ही वो आए लैंड पर, दोस्तों इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि आप जरा एक कांच के ग्लास में एक स्ट्रॉ को रखकर देखिए और स्ट्रॉ को पानी के नीचे से देखिए, पानी वाली साइड से, तो आपको स्ट्रॉ जो है ना कुछ बेंड होती दिखेगी पानी के सरफेस और हवा के सरफेस पर। कुछ इसी तरह की जो ब्लरिंग है, कुछ इसी तरह की बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, अब इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसकी टॉपिक, इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनेगी। ये रिफ्रैक्शन जो अब जिन लोगों को पता है, इस रिफ्रैक्शन से क्या हुआ, अब जब ये क्रिएचर्स लैंड पर आए, जब ये धरती पर आए, धरती पर आने पर इनको सारी चीजें ब्लर दिखने लग गई, कुछ हेजी सी दिखने लग गई। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें जो हैं वो सूटेड थी पानी में देखने के लिए, हवा में देखने के लिए नहीं। अब काफी लाखों साल गुजर चुके हैं, 350 लाख साल करीब गुजर चुके हैं इन क्रिएचर्स को पहली बार जो है धरती पर कदम रखे हुए, पर फिर भी दोस्तों जो आंखें थी उनकी अभी भी हमारे एंसेस्टर्स ही हैं, वो हमारे पास उन्हीं की आंखों की देन है। फिर भी आज भी हमारी जो आंखें परफेक्ट नहीं है, हमारी 300 लाख साल लेकिन अभी भी हमारी आंखें जो है वो परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अभी भी नाक के पास रखी गई चीजों को नहीं देख पाते ध्यान से, हम उनको मतलब क्लियरली नहीं देख पाते और हम अंधेरे में भी क्लियरली चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जो कि एबिलिटी है मछलियों के पास, मछलियां देख सकती हैं अंधेरे में, बट हम ह्यूमन आंखें नहीं देख पाती। तो दोस्तों कुछ यही थी हिस्ट्री। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ट्राई करूंगा कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय।